So, JEE Mains 2025 का complete road map video आ गया। आप लोग बहुत दिनों से wait कर रहे हैं, तो finally आ गया ये video। And मैं अपने time पे भी JEE Mains 21 में मेरा 125,000 rank था, वहाँ से improve करके JEE Mains 22 में मेरा All India rank 18,000 था। तो इतना ज़्यादा improvement मैंने भी अपने time पे किया था। And मैं वही strategy आपके साथ share करूँगा जिससे आपका भी guaranteed selection होगा। तो video end तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आपको क्या करना है। मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पहले लेक्चर्स देखना है, ये है स्टेप वन। उसके बाद आपको डिटेल में उस चैप्टर का नोट्स बनाना है। उसके बाद उस चैप्टर का आपको जेई मेंस 21 से 24 का PYQ लगाना है। डेडिकेटेडली चैप्टर वाइज आपको PYQ बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका जेई का एक वीक बचा रह जाएगा तब ये शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा। इसी के थ्रू आप रिविजन करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में है मॉक टेस्ट। आप सबके लिए स्पेशल सरप्राइज है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट का सीरीज मैं लेके आया हूँ, तो वो भी आगे मैं बताऊंगा। सो जब आपका ये चार स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक चैप्टर, मान लीजिए काइनेमेटिक्स आपका खत्म हो गया, आप नेक्स्ट चैप्टर NLM आप स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे चार स्टेप का प्रोसीड्योर करके हर एक चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। चैप्टर लिस्ट कहाँ से पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये फोर स्टेप प्रोसेस ही सीक्रेट है आपका सिलेक्शन का। तो ये फोर स्टेप प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, लेक्चर्स, डिटेल नोट्स, PYQ एंड शॉर्ट नोट्स। तो ये चार चीज आपको करना है, एंड एग्जाम के एक से डेढ़ महीने पहले रिविजन एंड मॉक टेस्ट। ये छह चीज अगर आप कर लेते आपका गारंटीड सिलेक्शन होगा NITs एंड IITs। तो फाइनली सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ गया। आप सबके लिए मैं लाया हूँ मॉक टेस्ट बाय टेस्टबुक। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेनाउंड प्लेटफॉर्म है। तो इन्हें रिक्वेस्ट करके मैं आप सबके लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाया हूँ फॉर 1 month। एक महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ ₹1 पर डे, मतलब 300 से 400 रुपीज के अंदर आपका पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एक साल के लिए। सो ये प्रो पास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू जाइए, कोड गौरव गिफ्ट अप्लाई करते ही आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक महीने के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो IIT JEE टेस्ट सीरीज इस लिंक के थ्रू ले सकते हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। सिर्फ 400 रुपीज में आपको एक साल के लिए पूरा बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें आपको 44 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है। तो इस टेस्ट सीरीज में आप JEE Mains 2024 का पेपर लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ 22 प्लस फुल मॉक टेस्ट है JEE के लिए, एकदम बढ़िया पैटर्न है, आगे मैं दिखाऊंगा। एंड इसके साथ 94 चैप्टर वाइज टेस्ट है, एंड इसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा गौरव गिफ्ट कूपन कोड अप्लाई करने से। तो ये प्रो पास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको इधर आना है मंथली पास प्रो, जो कि आप देख सकते हैं 450 रुपीज का है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं, इधर आपको गौरव गिफ्ट अप्लाई कर लेना है। आप लिख सकते हैं GOURAVGIFT। तो जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये ₹0 हो गए। उसके बाद आपको क्लेम कर लेना है, तो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज एक महीने के लिए मिल जाएगा। एंड आपको मैं एक टेस्ट भी दिखा देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसा एकदम बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस है। एंड पूरा जैसा मेंस होता है ना, असली एग्जाम मैं दिया हूँ, आप भी देंगे, पूरा आपको एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, एकदम रियल टेस्ट जैसा आपको लग रहा होगा। तो मैं आपको एक फुल टेस्ट दिखा देता हूँ कि कैसा इसका पैटर्न रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम रियल एग्जाम लाइक आपको फील मिलेगा, ऐसा ही होता है एग्जाम में। JEE Mains का असली एग्जाम में ऐसा ही इंस्ट्रक्शन आता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, एंड देन आपको इधर डिक्लेरेशन, एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन। तो ऐसा पूरा एकदम एग्जाम वाला माहौल आपको मिलेगा। तो आप देख भी सकते हैं केमिस्ट्री मैथ्स पूरा सेक्शन वाइज इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस, एंड फिजिक्स थोड़ा रिलेटिवली इजी, एंड केमिस्ट्री इजी, एंड मैथ्स काफी हार्ड, जैसा अभी मेंस आ रहा है वैसा ही सिमिलर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा मेरे हर एक सब्सक्राइबर को कि ये टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते भी है कि कौन सा टेस्ट सीरीज बाय करना चाहिए, तो मैं टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सो जल्दी जाके आप ये ऑफर अवेल कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्ट्रेटेजी डिटेल में एक एक करके। सो मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में बेसिकली आपको ये 10 चैप्टर्स करना है। स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ये 10 चैप्टर्स आपको 88 मार्क्स देगा। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, KTJ, थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC, सेमीकंडक्टर्स, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, इलास्टिसिटी, यूनिट डायमेंशन एरर्स, ट्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, EMOS, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे टॉपिक्स एकदम स्कोरिंग है, जैसे 10th वाला टॉपिक में लिखा है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा इसलिए एग्जाम में। तो आपको 24 मार्क्स इधर से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये 10 चैप्टर्स करना है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। इसके बाद आपको बाकी का सिलेबस करना है, एंड इसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स पढ़ना होगा। तो उसका लिस्ट भी आप देख सकते हैं, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, NLM बेसिक, सर्कुलर मोशन, इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले करना है, तभी आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद आपको ये 10 चैप्टर्स करना है। तो ये आप कहाँ से करेंगे, इसके लिए आप एपीजे सर को फॉलो कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन मोहित त्यागी चैनल में पढ़ाते हैं, एकदम बढ़िया प्लेलिस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं इस चैनल में आपको मिल जाएगा एपीजे सर का लेक्चर्स, एकदम एडवांस लेवल तक का कंटेंट अवेलेबल है। तो जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किया वो आपको एपीजे सर के लेक्चर से करना है, या फिर और एक ऑप्शन है आपके लिए अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो अलग सर का उम्मीद बेस्ट प्लस एडुनिटी, तो ये कॉम्बो आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा एपीजे सर का प्लेलिस्ट। इसके साथ आपको 21 से 24 का क्यू आई क्यूज करना है तो आपका फिजिक्स एकदम सिक्योर हो जाएगा, 88 मार्क्स आपका फिजिक्स में कहीं नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी आपको ये 10 चैप्टर्स करना है। अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है तो ये 10 चैप्टर्स कर लीजिए, 72 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। एंड इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत कम दिया हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स लगता है, तो उसको छोड़ के भी आप 72 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये 10 चैप्टर्स करके सिक्योर कर लीजिए अराउंड 70 मार्क्स, तो आपको एकदम गारंटी रहेगा कि हाँ कुछ ना कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो आप बात करते हैं कि ये चैप्टर्स आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आप साक्षी मैम बाउंस बैक सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ये एकदम बेस्ट लेक्चर्स है, एकदम मेंस के लिए इनफ है, एडवांस के लिए भी काफी ठीक है लेक्चर्स। इसके बाद आपको पीओआई यूज करना है 21 से 24 का। इसके साथ आपको इनऑर्गेनिक के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने टाइम पे किया था, बहुत हेल्प हुआ था, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। तो इसका लिंक आपको बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बाय दिशा पब्लिकेशंस। बेसिकली जो असली एनसीईआरटी है उसका ही जिस्ट इस बुक में दिया हुआ है, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था अपने टाइम पे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। एंड बाउंस बैक सीरीज खत्म करने के बाद आप रिवीजन के लिए पंकज सर केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जो पंकज सर केमिस्ट्री चैनल में है, ये आप जरूर फॉलो करना, ये एकदम टू द पॉइंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मेंस में दिखेगा। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स बहुत लोगों का डर है कि मैथ्स में कुछ नहीं हो रहा है भैया, 20-30 मार्क्स भी नहीं आ रहा है, तो आप कम चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये 10 चैप्टर्स आप अच्छे से करिए तो आपका मिनिमम 70 भी अगर ना हो इससे अराउंड 70 मार्क्स आएगा। आप इसमें से अगर 50 मार्क्स भी सिक्योर कर रहे हैं तो इनफ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम चीज़ों पे फोकस करिए लेकिन अच्छे से करिए। तो मैथ्स के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस कवरेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी आसान आता है, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट आता है, यही ट्रेंड है मेंस 23-24। एंड इस बार भी वही होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री आसान होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आएगा। तो मैथ्स के लिए आप ये 10 चैप्टर्स करना है। तो स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में मत छोड़ के जाना, 4 मार्क्स पूरा सिक्योर है, एकदम एक क्वेश्चन हर एक शीट में आपको देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स का। तो ये चैप्टर्स करने से पहले मैथ्स में कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मुझसे नहीं बन रहा क्वेश्चन। बेसिक मैथ्स, सेट थ्योरी, फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्री, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स। तो पहले आप ये 5 चीजें कर लीजिए, इसका आपको प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको मैंने जो 10 चैप्टर बोला ये 10 चैप्टर करना है। तो मैथ्स आपको कहाँ से करना है, मैथ्स आपको निशान बोरा सर बाउंस बैक सीरीज, मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो किया था एंड इससे मुझे मैथ्स में 97% लाया था, तो आपको भी जरूर फॉलो करना चाहिए बाउंस बैक सीरीज निशान बोरा सर का। PIQs आपको 23 से 24 बस 2 ही इयर्स का करना है, क्योंकि मैथ्स 22 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था, उतना डिफिकल्ट अभी नहीं आता है, तो वो इरेलीवेंट है आपके लिए। 23 एंड 24 का PIQs करिए मैथ्स में। एंड इसके साथ मॉक टेस्ट हर वीक एक देना बहुत जरूरी है, तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं टेस्ट सीरीज का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक महीने का ट्रायल भी आपको मिलेगा मेरे कूपन कोड से गौरव गिफ्ट, तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को ही ये ऑफर मिलेगा, तो आप ये अवेल कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर तक कम से कम आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, एंड उसके बाद आप रिविजन करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू एंड मॉक टेस्ट देंगे, तो टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत जरूरी है। तो लास्ट एक महीना आपको रिविजन करना है नोट, शॉर्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट के थ्रू। सो जो चीज़ मैंने बोला अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं आपका मेंस पे 99% कहीं नहीं जा रहा है, 99% पूरा सिक्योर है। तो इसके साथ आप अगर मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम मिनिमल प्राइस है, उसमें आपको डेली प्लानर मिलेगा, हर एक दिन मैं आपको कॉल करके पूछूंगा मैंने जो जो टास्क दिया आपने करा है या नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, तो पूरा एकदम डेडिकेटेड प्लानर मिलेगा। एग्जाम के पहले आपको 100% कन्फर्म क्वेश्चन लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आपका अराउंड 40 से 50 मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज मिलेगा मेंटरशिप प्रोग्राम में, प्राइस भी मिनिमम है, हर महीने आपको सिर्फ 200 से 300 लग रहा होगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं तो रिकमेंड करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को अपना खुद का टाइम टेबल बना, जो स्टूडेंट्स मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में उनका मैं खुद बना देता हूं, तो ये एक इन जनरल रूटीन है। अगर आपको एक टाइम टेबल चाहिए तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो खुद का टाइम टेबल बना लीजिए। मैं भी अपने प्रिपरेशन के दौरान खुद का टाइम टेबल खुद बनाता था, उससे ही आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जो आप प्लान करेंगे उसका 100% कभी नहीं होगा, अगर उसका 70-80% भी हो रहा है तो आप सही चल रहे हैं बिल्कुल, 50% से ज्यादा जो आप प्लान करते हो वो होना चाहिए तब आप सही चल रहे हैं। तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। एंड एक चीज जो मैंने गलती किया था, मैंने बाद में रियलाइज किया कि डू नॉट ओपन एनी सोशल मीडिया इन मॉर्निंग, ये अगर आप करते हैं तो आपका डोपामिन लेवल अचानक बढ़ जाता है, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सुबह बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाना है, अगर आपको मोबाइल चलाना है तो दोपहर के बाद से चलाना है, ठीक है। एंड इसके साथ ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको सारे रिसोर्सेज इस टेलीग्राम पे सबसे पहले मिल जाएगा,
तो ये कीवर्ड कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में @gourabrawjee सर्च करिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेंटरशिप प्रोग्राम एंड टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं।